आली रे अंधे है क्या हम लोग, देख रहे ना। लेकिन हिमाचल प्रदेश में बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी। अरे रुको जरा, सबर करो, इतनी भी उतावला होने की कौनो जरूरत नहीं है। कहा कि पहले भी अंजना दीदी की दिल की बात जबान पर आ चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम अंजना ओम कश्यप। लेकिन हिमाचल प्रदेश में बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के मतलब एक तरह से उनके दम पर मिली है कांग्रेस पार्टी को। बेचारी पापा की परी बोलना कुछ चाहती थी, पर पापा का प्यारी कुछ ऐसा है कि बेचारी पापा को भूल ही नहीं पाती है। और हाँ, हिमाचल में बीजेपी के दम पर कांग्रेस कैसे जीता हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। क्यों अंजना मैडम, सब खबर रहता है, मतलब हद है यार चाटुकारिता का। यही नहीं, अभी और सुनिए। कांग्रेस को मिले हिमाचल में और बीजेपी को कितने वोट मिले, मात्र कुछ हजार वोट का फर्क है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बस भाई ये बस। तो सुशांत की चाटसाला देखने के बाद हिमाचल के राज्यपाल ने फैसला किया कि पहले 2.5 साल सरकार भाजपा चलाएगी और सुशांत को बेहतरीन रिसर्च के लिए इनाम में हिमाचल सरकार की तरफ से बिना गद्दी वाला साइकिल चलाने को दी जाएगी। कैसा लगा मेरा मजाक? बीजेपी के नेताओं को मैं बधाई दे रहा हूँ गुजरात के लिए, तो उसके लिए तो आपको बधाई, बहुत ही ऐतिहासिक जीत आप लोग दर्ज कर रहे हैं। लेकिन सवाल अभी हिमाचल प्रदेश को लेकर आप लोगों से हो रहे हैं। जी, समझ रहे हो ना, मतलब एंकर भी बीजेपी से है क्या? अरे तभी ने बीजेपी के प्रवक्ता एंकर महाशय एक दूसरे को गुजरात में बीजेपी की जीत की बधाई दे रहे हैं। सलाह ये दिन देखने से पहले मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है। खैर, अपने आका के गोद में बैठे गोदी पत्रकारों के लिए कादर खान का बहुत ही अच्छा मैसेज है, सुन लो। वैसे तो अमल नहीं करोगे, सुबह आँख खुलती है तो नजरों के सामने सबसे पहले अखबार होता है। खुदा के लिए इसमें झूठ मत छापा कीजिए, हाथ में कलम आ जाए तो कलम का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। ये 4 इंच की कलम 4 फुट के तलवार को काट कर उसके टुकड़े कर सकती है। कलम का सही इस्तेमाल कीजिए, आपका भी भला होगा और देश का भी भला होगा।